हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ इडली, डोसा और उत्तपम का बैटर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इडली राइस लिए है। ये छोटे वाले राउंड राउंड दिखने वाले होते हैं। इससे इडली, डोसा और उत्तपम का बैटर बहुत ही मज़ेदार बनता है। इससे इडली सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप इडली राइस ले लिया है। बाद में हम उसके अंदर 1 कप उड़द दाल डाल देंगे, 1 कप पोहा डाल देंगे, थिक पोहा है। तो 2 कप चावल, 1 कप उड़द दाल, 1 कप पोहा और 2 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच मेथी के दाने डाल देंगे और सभी चीजों को 5 से 6 पानी से वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने 5 से 6 पानी से वॉश करके उसको 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो 5 घंटे हो गए हम देख लेंगे। तो आप देख सकते हो चावल और दाल और हमारे जो पोहा है वो फूल के डबल साइज हो गई हैं, अच्छे से भीग गए हैं। तो हम अब हमारा बैटर रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बैटर में मैं ना कोई फर्मेंटेशन लाने वाली हूँ, ना ही इनो डालने वाली हूँ। फिर भी हमारी इडली इतनी सॉफ्ट बनती है ना कि मुंह में डालते ही ये घुल जाती है और इससे डोसा भी बहुत मस्त बनता है। ऊपर से क्रिस्पी और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और उत्तपम भी इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि जैसे हम पलटने जाते हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बैटर ट्राई कीजिएगा। हर बार आप इस तरह से ही बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो पोहा लिया है 1 कप, उसकी जगह आप 1 कप साबूदाना भी ले सकते हो। आपकी इडली इस मेज़रमेंट से एकदम सॉफ्ट बनेगी, वाइट बनेगी और ना ही यहाँ पे इनो की ज़रूरत है, ना ही फर्मेंटेशन की ज़रूरत है। कुछ लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि फर्मेंटेशन वाली चीज़ें नहीं खानी है, उनकी हेल्थ को सूट नहीं होती है। तो ये बैटर बना के आप इमीडिएट डोसा भी बना सकते हो, इडली भी बना सकते हो और उत्तपम भी बना सकते हो। आप चाहे तो फर्मेंटेशन भी करके यूज़ कर सकते हो तो और भी सॉफ्ट बनेगा। और बच्चों के लिए जो फर्मेंटेशन होने के बाद उसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं ना वो गुड होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो वो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा बैटर पीस के रेडी है। इसी तरह से हम पूरा जो चावल और दाल का मिक्सचर है ना उसको पीस के बैटर रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी दाल और चावल को पीस के बैटर रेडी कर लिया है। अब हम हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है कि हाथ की मदद से हमें मिक्स करना है, क्योंकि हाथों की गर्मी से ही ये जो एक स्मूथनेस आएगी बैटर में और उसको एक गर्मी मिलेगी और वो फर्मेंट होगा जल्दी से। और फर्मेंट होने के बाद हमारा इडली, डोसा और उत्तपम अच्छा सॉफ्ट बनेगा। आप देख सकते हो मैंने अभी पीसा है, फिर भी ये कितना सॉफ्ट है, कितना फ्लफी है और कितना लाइट है। इसकी वजह से ही हमारी इडली, डोसा और उत्तपम सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे बैटर थोड़ा ज़्यादा है ना तो उसको एक दूसरे बर्तन में भी निकाल दिया है, क्योंकि अब हम फर्मेंटेशन के लिए सपोज रखते हैं तो ये फर्मेंट होकर बाहर आ जाएगा जो बैटर ज़्यादा है। तो इस तरह से आप 2 पार्ट में अलग अलग करके रख सकते हो आपके पास बैटर ज़्यादा हो तो। तो यहाँ पे आप चाहे तो उसको 8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख सकते हो।
मैंने यहाँ पे पीस के 2 घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में पीसा था और मुझे शाम को इडली बनानी थी, तो पीस के मैंने 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और खाने का टाइम था, तो मैंने इडली फटाफट से बना ली। तो आप देख सकते हो कितनी स्पॉन्जी इडली बनी है। मैं एक हाथ से उसको ब्रेक करूँगी, ईजिली ब्रेक हो जाती है। तो इसके अंदर ना ही मैंने इनो डाला है, ना ही मैंने उसको फर्मेंट किया है, बस 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।